तो हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है आप फोन पे वैलेट को चालू कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका फोन पे वैलेट डीएक्टिवेट हो गया है, बंद हो गया है और आप उसको चालू करना चाहते हैं, कैसे चालू कीजिएगा। देखिए, बंद होने का दो कारण रहता है, या तो आप फोन पे वैलेट से पैसा निकाल लिए हैं, मतलब कि फोन पे से पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए क्लोज करके, फिर आपका फोन पे वैलेट तो बंद हो गया, उस समय बंद होता है। फिर दूसरा, उसका एक लिमिट रहता है, अगर उसका समय रहता है, अगर आप समय सीमा के अंदर में अपने फोन पे वैलेट का इस्तेमाल नहीं करते, यूज नहीं करते, तो उसके बाद भी आपके फोन पे वैलेट को फोन पे कंपनी द्वारा आपके फोन पे वैलेट को डिएक्टिवेट कर दिया जाता है। और आप चाहते हैं फोन पे वैलेट को चालू रखना, आगे भी चलाना, तो मैं आपको ऐसे कहूंगा कि आप फोन पे वैलेट को चालू कर सकते हैं। अगर आपका फोन पे वैलेट में बाय द वे पैसा चला गया, अगर आप उसको निकालना चाहते हैं, तो आगे वीडियो में आपको भी बताऊंगा कि आप फोन पे वैलेट से पैसा कैसे निकालिएगा। मैं आपको भी बताऊंगा फोन पे से पैसा कैसे निकालना है, अगर आपके साथ कोई समस्या है उसका भी तरीका बताने वाला हूँ, और आप फोन पे वैलेट को चालू कैसे कीजिए उसका तो सोने पर सुहागा होने वाला, क्योंकि उसी का वीडियो है कि फोन पे वैलेट को चालू कैसे करना है। काफी लोग का मेरे वीडियो में कमेंट था कि भाई फोन पे वैलेट तो बंद हो गया, बट उसको चालू कैसे करेंगे, अगर चालू करना चाहते हैं, उसको एक्टिव रखना चाहते हैं, तो वीडियो का आपको एंड तक देखना होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो करता हूँ स्टार्ट। उससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमेशा मिलती रहेगी और आपका हेल्प होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए चलता हूँ मोबाइल को होम स्क्रीन पर, वहां से मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अपने फोन पे वैलेट को इसे चालू कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, कैसे अपने फोन पे वैलेट को एक्टिव रख सकते हैं। देख सकते हैं, मैं अपने मोबाइल को होम स्क्रीन पे यहाँ पे आ चुका हूँ। आपको क्या करना है, आपको ओपन करना है प्ले स्टोर। चलिए मैं अपना प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ। मैं आपको जैसे जैसे बता रहा हूँ बस आपको वैसे वैसे करना है, आपका फोन पे वैलेट 100% चालू हो जाएगा। चलिए इस पे क्लिक करते हैं हम। अब देखिए, इस पे आपको सर्च करना है फोन पे, फोन पे सर्च करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऐप आ गया, देखिए जो ऐप है मेरा अपडेट किया हुआ। अगर आपका फोन पे ऐप अपडेट नहीं है तो उसको अपडेट कर लीजिए, और अगर आपका फोन पे अपडेट नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, मैं कुछ और सेटिंग बताऊंगा, आपके फोन में कुछ और सेटिंग आएगी, तो फिर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, फोन पे ऐप को अपडेट करना है, उसके बाद से उस ऐप को ओपन करना है। चलिए हम ऐप को यहाँ पे ओपन कर ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा फोन पे ऐप यहाँ पे ओपन होके भी, आपको भी अपना फोन पे ऐप को ओपन कर लेना। चलिए अब यहाँ से जानिए आपके आपका फोन पे वैलेट चालू कैसे होगा। चलिए देखिए यहाँ पे हम अपना फोन पे वैलेट को ओपन करते हैं। देखिए आप देख सकते हैं हम यहाँ पे अपना फोन पे वैलेट को ओपन किए हैं। देखिए मेरे फोन पे मैंने जीरो बैलेंस शो करा, मतलब कि मेरे फोन पे मैंने पैसा था, हम उस पैसे को अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर लिए और वो पैसा मेरे बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर हो गया, फोन पे वैलेट बंद हो गया। और अब हम इसको अभी चालू करना चाहते हैं, कैसे चालू होगा वीडियो में एंड तक मैं आपको सारा चीज सिखाने वाला हूँ। देखिए अगर आपके फोन पे वैलेट में बैलेंस शो करता, अगर फोन पे वैलेट में पैसा है, अगर आप उस पैसे को निकाल के अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, उसका वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से वीडियो के लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका फोन पे से पैसा करके आप बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए अभी मैं समझ बताने वाला हूँ कि आप फोन पे वैलेट को चालू कैसे करना। देखिए चालू करने के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पे कोई ऑप्शन तो लिखा हुआ है नहीं, क्या करना है आपको, देखिए फोन पे वैलेट को चालू करने के लिए देखिए राइट साइड को ना आपको क्वेश्चन मार्क का सिंबल शो कर रहा है, आपको इसी पे क्लिक करना है। देखिए जैसे आप उस पर क्लिक कीजिएगा, फिर आपके सामने इस तरह का ऑप्शन खुल करके ओपन हुआ है। तो वो क्या करना है, देखिए यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से हिंदी को सिलेक्ट करना है। देखिए जो सारा इंग्लिश में लिखा हुआ था, हिंदी मतलब कि बताने में आपको समझने में भी आसानी हो। देखिए हो गया, देखिए दोनों नंबर शो करा, फोन पे वैलेट को फिर से एक्टिव करना या बंद करना, हमको एक्टिव करना है। चलिए उस पर क्लिक करते हैं। देखिए जैसे आप उस पर क्लिक किया, देखिए फिर आपको सामने तीन ऑप्शन आया, एक पहला ऑप्शन लिख रहा है मेरा फोन पे वैलेट इनएक्टिव क्यों है, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है मेरा अपने डीएक्टिवेट फोन पे वैलेट को कैसे एक्टिव करूं। तीसरा प्रश्न मैं अपना फोन पे वैलेट को कैसे बंद करूं। देखिए आपका तो फोन पे वैलेट बंद हो चुका है, बंद क्या करना है, बंद तो हो चुका है। चलिए मैं अपने एक्टिवेट फोन पे वैलेट को कैसे एक्टिव करूं, हमको ये चाहिए, इस पर क्लिक करते हैं। देखिए जैसे आप उस पर क्लिक कीजिएगा, फिर आपको ऑप्शन आ गया, यदि आपका फोन पे वैलेट डीएक्टिव है तो या इनमें से किसी एक वजह से हो सकता है, फल का या तो बंद हो गया है, दूसरा या तो इनएक्टिव हो गया। देखिए अगर आपका फोन पे वैलेट एक बार पैसा निकाल के उसको बंद कर चुके हैं, अगर आप फोन पे वैलेट अपना क्लोज कर चुके, देखिए क्या लिखा है, बंद वैलेट क्या लिखा है उसमें, यदि आपने वैलेट बंद करने के लिए अनुरोध किया है तो आपका फोन पे वैलेट एक बंद अवस्था में होगा, एक बार बंद होने के बाद आप अपने वैलेट को फिर से एक्टिव नहीं कर पाएंगे। इससे आप क्या समझे कि अगर आपका फोन पे वैलेट से पैसा ट्रांसफर कर लिए अपने बैंक खाते में अपने फोन पे वैलेट को क्लोज करके, तो फिर दोबारा आप अपने फोन पे वैलेट को चालू नहीं कर सकते, बल्कि उसको आप एक्टिव नहीं कर सकते। अगर आप उसको, अगर आपका फोन पे 12 महीने के भीतर आप अपने फोन पे वैलेट का इस्तेमाल नहीं किए हैं, उसके बाद अगर आपका फोन पे वैलेट इनएक्टिव हो गया, तो उसको यहाँ पे लिख रहा है इनएक्टिव वैलेट को आप चालू कर सकते हैं।
उसके लिए क्या कुछ नियम है, यहाँ पे देखिए कुछ नियम है, आप उस टॉप अप का स्टार्ट करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए फोन पे ऐप को होम स्क्रीन पर अपने प्रोफाइल पिक्चर पर टैप करें, पेमेंट मेथड में पेमेंट माध्यम सेक्शन के अंतर्गत फोन पे वॉलेट पे टैप करें। यहाँ पे दे रहा है इस प्रोसेस से, 5 स्टेप का प्रोसेस से अपने फोन पे वॉलेट को चालू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर समझ गए फोन पे वॉलेट को चालू कैसे करना है। आप यहाँ से फीडबैक दे सकते हैं क्या इस तरह से आपकी मदद हुई, यह हमको जानकारी आप यहाँ से फीडबैक दे सकते हैं। आई होप दोस्तों आपका फोन पे वॉलेट चालू हो गया। अगर आपका चालू नहीं होता, अगर आपके साथ कोई भी समस्या आती है, कमेंट बॉक्स में आना है, कमेंट करना है, आपके कमेंट के भाई मैं 100% कोशिश करूंगा देना, आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करना। अगर ज्यादा लोगों का कमेंट आएगा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो मैं उस पर आपको फिर एक वीडियो बना करके डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देख करके आपका हेल्प 100% हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिली होगी दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, दबा करके लाइक करो, और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता, आपका कुछ नहीं जाता है, बट मैं आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब देकर काफी मोटिवेट होता हूँ और आपको मैं कुछ सिखाते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को यहीं पर करता हूँ खत्म, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।